हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है 8.4.3 का वीडियो। देखो मैं खेल चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो वीडियो में ना नोड बताना ही भूल गया। अब मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं दिखाऊंगा कि खेला कैसे है मैंने। ठीक है, मैंने पहले खेल लिया, उसके बाद में नोड समझा रहा हूँ। पहले खेलने वाला रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं आपको यहाँ पे नोड समझा रहा हूँ। देखो हो गया थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, छोड़ो उसको। हर 20वें सेकंड जैसे ही खत्म होगा हमें डी जनरेशन मिलेगा। उस डी जनरेशन से बचने के लिए हमें अपना स्पेशल छोड़ना होगा। अगर हम 20वें सेकंड पे अपना स्पेशल छोड़ेंगे हमें फ्यूरी मिलेगा, जिससे कि हमारा अटैक जो है 200% इंक्रीज हो जाएगा, वरना हमें डी जनरेशन मिलेगा। और सामने वाले को जब भी हम पावर बार करेंगे उसे 2 डायनमो चार्ज मिलेंगे। जब भी उसको डायनमो चार्ज रहते रहते हमने नॉकआउट किया तो उसका पावर गेन होगा, 30% पावर गेन होगा। अगर उसको आपको डायनमो चार्ज हटाना है, मतलब आपको इंटरसेप्ट खेलना ही पड़ेगा। और जब भी हमारे ब्लॉक पे हिट करेगा वो 5.5% उसे पावर बार मिलेगा ही मिलेगा। और जब भी हम अपना पावर गेन बफ एक्टिवेट करेंगे हम हमें यहाँ पे पावर वो रिमूव हो जाएगा और हमारा पावर ड्रेन बफ पावर ड्रेन डीबफ लग जाएगा हमारे, जिससे कि हमारी 50% पावर जो है ड्रेन हो जाएगी। सामने वाले के स्पेशल्स अनब्लॉकेबल रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ज्यादातर स्पेशल 2 ही मारे। ये पूरे पाथ में रहेगा, ये वाला पाथ ले रहा था मैं। अब जो बॉस है वो एमा फ्रॉस्ट है, सबसे मुश्किल बॉस मुझे लगती है इस क्वेस्ट की, सबसे मुश्किल बॉस है। देखो पहली बात तो ये इम्यून है आर्मर ब्रेक से, दूसरी बात ये इम्यून है इन्फ्योरेट से, और इंटीमीडिएट से भी इम्यून है। इसके ऊपर 7 क्रुएलिटी बफ रहेंगे इनडेफिनाइट। अगर ये हैवी हम इसका हैवी इंटरप्ट करते हैं तो हमें वो एक एक फ्यूरी एक एक क्रुएलिटी हमें मिलेगा। क्रिटिकल डैमेज गारंटेड है। अगर आपको इसके क्रिटिकल डैमेज डिसेबल करना है 10 सेकंड के लिए, आपको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, या तो आपको इसको क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, या तो डॉज करना पड़ेगा, मतलब डेक्स करना पड़ेगा। अगर आप इस पे शॉक इंसनेट कोल्ड स्नैप डालते हो तो इसका पावर गेन बहुत ही जल्दी शूट हो जाएगा, मतलब स्पेशल 3 में बहुत जल्दी बन जाएगी और एनर्जी डैमेज नहीं दे पाओगे। 99% एनर्जी रेजिस्टेंस है। जब भी हमारा पावर गेन होगा, पावर बार बनेगा, सामने वाले को पैसिव प्रोवस मिलता चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि 20% स्पेशल अटैक इसका डैमेज जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हमें बहुत जल्दी इसको मारना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप एनर्जी डैमेज चैंपियन नहीं ला सकते। निमरॉड काम नहीं करेगा, प्रोफेसर काम नहीं करेगा, ह्यूमन टॉर्च काम नहीं, जो भी एनर्जी डैमेज देते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो मैंने मारा कैसे है, मैंने ये पाथ कैसे खेला है, अब आपको वीडियो में समझ में आएगा, तो देख लो। तो गाइस यहाँ पे मैं टीम चेंज करके लाया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को हेमडाल की सिनर्जी का यूज करना है, मेरे को सिनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने वाले का बहुत जल्दी पावर गेन हो रहा है। मैंने रिस्टार्ट किया है, सामने वाले का जो है वो पावर गेन बहुत जल्दी हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि दिक्कत हो रही है। क्यों पावर गेन ज्यादा हो रहा है? क्योंकि उन्हें जब भी हम पावर बार बनाते हैं अपना, सामने वाले को बार बार डायनमो चार्ज मिल रहे हैं, जिसको कि अगर उसको नलीफाई करना है तो हमें इंटरसेप्ट करना पड़ेगा यार। ओके नहीं, देखो स्पेशल 2 पे चले गई वो, मेरे को अपना स्पेशल भी तो छोड़ना है यार। अब वो स्पेशल 3 पे पुश ना हो जाए बस। ओके वैसे हम जब तक अपने स्पेशल नहीं मेरा बनता है तब तक तो डायनमो चार्ज नहीं मिलेगा ना इसको, अब मिलेगा। ओके हमारे पास इवेड चार्ज है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके दो चार्ज है, मतलब ये स्पेशल 3 पे पुश हो जाएगी शायद। नहीं आई थिंक अब स्पेशल 2 पे पुश हो जाएगी। अरे नहीं, मेरे को अपना मैं 20 सेकंड का भी तो ध्यान रखना है यार, हमें बार बार रीजनरेशन मिल रहा है, मर जाएगी वैसे अब तो। हमें 20 सेकंड का भी ध्यान रखना है यार, क्योंकि वहां पे बार बार हमारे डी जनरेशन मिल रहा है। ठीक है नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं। ओके यहाँ पे फाइट जो है वो है नेब्यूला से। ओके 4 फीट हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हल्क की सिनर्जी है तो 3 फीट से स्टार्ट करेगा ये।
ओके यहाँ पे देखो, अब जो है डायनेमो चार्ज जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं। यार ये क्या किया इसने, छोड़ना जरूरी था क्योंकि डीजनरेशन मिल जाता वहां पे। अबे मारना भाई क्या यार, स्पेशल टू पे भी पुश किया इसको अब तो। आजा यार, क्या यार, अब डीजनरेशन दिया तो मार ही खा ले तू। छोड़ो स्पेशल, सारा आज डेक्स भी नहीं होगा अच्छे से। ओके चलो डन है फाइट, एंड नेक्स्ट फाइट पे चले। ओके ये है हेमडाल से, ये परेशानी करेगा यार बहुत, इसको मारना जरूरी है पहले। एक और हैवी फेंकते हैं। ओके इसका स्पेशल थ्रो करवाते हैं ऐसे, देन उसके बाद हम छोड़ना पड़ा वरना मेरे को डीजनरेशन मिलता। रुजा भाई जल्दी से हम क्या करेंगे, अपना पावर बार बना लेंगे। ओके नाइस, चलो अब इसका स्पेशल थ्रो करने का वेट करते हैं। या मेरे को लगता है मैं स्पेशल टू मार लूं क्या, साला देखो फिर मेरे को मिल गया वो डीजनरेशन। बच गया मैं हेमडाल की सिनर्जी से। देखा मैंने इसलिए यहाँ पे हेमडाल लाया क्योंकि यार इसकी जरूरत है, वरना इतने सारे रिवाइव लग जाएंगे, हो तो जाएगा लेकिन रिवाइव लगेंगे बहुत सारे। ये फेंकेगा स्पेशल टू, उससे दिक्कत होगी बार बार यार हमें। ओके हमारा पावर बार जब तक नहीं बनता है, ले स्पेशल टू पे हो गया पुश। बहुत अच्छी बात है हम इवेड कर पा रहे हैं इसको, लेकिन अब छोड़ना पड़ा मेरे को भाई, किसी भी हालत में छोड़ना पड़ा मुझे वरना डीजनरेशन मिल जाता। अब अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं इसे। अबे ले ओ यार, ये स्पेशल टू पे पुश हो गया यार, प्रॉब्लम है इसमें। ओके मार खानी है तो अच्छे से खा लो फिर। ओके अब डीजनरेशन लगेगा और गेम ओवर। ओके थोड़ा, अरे यार एक हैवी पड़ जाता। चलो कोई नहीं नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं। ये पाथ मुश्किल है, यहाँ पे पावर ड्रेन चैंपियंस चाहिए आपको, देन हो सकता है कुछ, वरना तो यार फिर दिक्कत है। ओके देखो अब यहाँ पे मेरे को इंटरसेप्ट करना है तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे यार। साला तीन वो हो गए। अरे नहीं यार देखो ये लाइट फेंक देते ना फिर बात वो है यार, ये बंदे लाइट फेंक रहे हैं बार बार। वैसे मेरे को लगता है मरेगा शायद कि नहीं, मरना तो चाहिए था साले को। ओके चलो डन है, नेक्स्ट फाइट पे चले। इस फाइट में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका स्पेशल वन हो या स्पेशल टू दोनों आराम से डेक्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम बस अगली वाली फाइट में जो कि ड्रैगन मैन से है, वो भी प्रॉब्लम करेगा फिर। ओके यहां पे हमने स्पेशल फेंक दिया, ये स्पेशल टू पे एकदम से पुश हो जाएगा। ओके स्पेशल फैक्ट फिकवाते हैं पहले इससे।
हैक दे भाई। अब यहाँ पे अपना स्पेशल ठोकते हैं ताकि स्पेशल टू पे जाए लेकिन हमको प्रॉब्लम ना आए। नहीं 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 ओके स्पेशल फेंकना जरूरी है यहाँ पे सामने वाले का। अपना स्पेशल मारते हैं अब। बहुत ही तरीके से खेलना पड़ेगा वरना बहुत ही दिक्कत आने वाली है हमें। ओके डैमेज प्रोवाइड करो। सामने वाले का स्पेशल छुड़वाते हैं। ओके चलो। ओके भाई साहब कहां से बचाऊं मैं, मुश्किल से इसे छुड़वाया भाई। अरे नहीं यार क्या यार एन मौके पे मार खानी थी क्या, पूरी फाइट में मार नहीं खाई क्या यार। क्या यार पूरी फाइट में मार नहीं खाई। ओके यहाँ पे फाइट है ड्रैगन मैन से एंड साले का पावर गेन ऑलरेडी ज्यादा होता है तो इसको कौन रोक सकता है यार। वैसे भी इसका पावर ऊपर से स्पेशल टू मारेगा यार ये बंदा। बस छोड़ दे भाई, भाई मार ले स्पेशल, दिमाग खराब कर दिया इसने भी। मार दे यार फिर से मार दे स्पेशल। एक बार मेरा रोटेशन पूरा हो ना। रुक तेरी बजाता हूं मैं। शिट मैंने थोड़ा गलती ही कर दी। ओके एक और बार मारते हैं। ओके यहाँ पे ये छोड़ दिया एंड चलो स्टन लॉक करके हमने इसे मार दिया। लास्ट फाइट भी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं बॉस फाइट पे जो कि एमा फ्रॉस्ट के साथ है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं एडम वॉरलॉक को चेंज करके जगरनॉट ले आता हूँ क्योंकि वो है रिवर्स कंट्रोल इम्यून। वैसे रिवर्स कंट्रोल सिर्फ स्पेशल पे ही काम आएगा यार इसके। हल्क लिंक को ले आऊं क्या, मुझे जहां तक लगता है वैसे मुझे नहीं लगता हल्क लिंक। हाँ हल्क लिंक को ले आता हूं यार मैं। तो फाइट है एमा फ्रॉस्ट के साथ में। अब देखो बात क्या है कि इम्यून है। बात यह है कि हम स्टन लॉक कर सकते हैं क्या इसको। चलो एक बार ट्राई करते हैं हल्क से, है ना। ओके भाई ये डायमंड फॉर्म कैसी है इसकी। इंटरसेप्ट करना है और हमें डॉज करना है, इसका क्रिटिकल हिट हटाना है। आजा भाई। अरे नहीं मार गई। अबे स्टन लॉक होगी क्या, होगी क्या स्टन। हाँ होगी। इतना बहुत थोड़ा बहुत डैमेज प्रोवाइड करेंगे आप इसको। ओके बाद में स्पेशल थ्री खा लेंगे यार। ओके एक और स्टन। ओके एक और स्टन एंड ओ साला स्टन कितनी जल्दी हट गया। नहीं अच्छा हाँ उसकी सिनर्जी यूज हो चुकी है ना हाइमडल की। हाँ इसका यूज करके देखते हैं क्या होता है। ओके हट तेरी तो ऐसी की तैसी। ओ शिट स्ट
स्टन करते हैं इसको। ये हमारा स्पेशल टूल, लेकिन साला डायमंड फॉर्म पे पड़ गया यार। दिक्कत तो वहां पे है, डायमंड फॉर्म पे पड़ गया भाई। मारो कुत्ते की तरह इसको। ये हमारा स्पेशल एंड गेम ओवर। ज्यादा काम हमारा जो आसान किया वो किया हमारे हल्क ने। बार बार जो स्टन लॉक किया हमने उसको, 45% तक हमने इसको पहुंचा दिया था, मार मार के 55% कम कर दिया था। एंड इसी के साथ में हमने यहाँ पे 8.4.3 भी कंप्लीट कर लिया है इजीली। मेरे को लगा था रिवाइव काफी सारे लग जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, हमने ध्यान से खेला, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हमने आराम से इसको मार लिया है। 1500 शॉट हमारे नाम हुए यहाँ पे, 90 यूनिट्स भी हमें मिले। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से इस वीडियो के बाद में। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करो, क्योंकि इससे भाई हेल्प मिल जाएगी। एंड जल्दी मिलता हूँ, बाय बाय। We'll be right back.